के बजाय गंगा नदी में चलना शुरू कर दी। जी हाँ, ये अजीब नज़ारा कोलकाता के नीमतला घाट में एक कार गंगा नदी में चलते हुए दिखाई दी, जिसके चलते एक हादसा होते होते रह गया। बता दें कि आज नीमतला घाट पर एक अजीब घटना हुई, जहां एक कार गंगा में डूब गई। इस अजीबोगरीब हादसे के वक्त गाड़ी के अंदर एक बच्चा मौजूद था। जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त नीमतला घाट पर काफ़ी लोग नहा रहे थे, जिनकी ज़बरदस्त कोशिश से उस बच्चे की जान बचा ली गई। खबर पाकर पुलिस नीमतला घाट पर पहुँच गई। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और अधिकारी भी नीमतला घाट पहुँच गए थे। गंगा में डूब रहे कार को निकालने के लिए पुलिस अपने साथ क्रेन भी लाई थी। इसके अलावा गोताखोरों को भी गंगा में उतारा गया था, लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते कार को गंगा से निकालने में काफी दिक्कत आ रही थी। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद कार को गंगा से निकालने में कामयाबी मिल गई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक साउथ कोलकाता के आनंदपुर से एक परिवार पूजा करने के लिए भूतनाथ मंदिर आया था। परिवार के सभी लोग अपनी गाड़ी नीमतला घाट के पास पार्क करके भूतनाथ मंदिर चले गए थे, लेकिन गाड़ी में उनका एक छोटा बच्चा रह गया था, जो वहां अकेले में कार की स्टीयरिंग के साथ खेल रहा था, जिसके चलते कार लुढ़क कर गंगा में चली गई। स्थानीय लोगों ने यह देखकर गंगा में छलांग लगा दी और बड़ी मुश्किल से बच्चे की जान बचा ली। You're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch.